नमस्कार दोस्तों। बहुत बढ़िया मार्केट था, बहुत चैलेंजिंग मार्केट था आज, लेकिन बढ़िया। लगभग 70,000 रुपए का फायदा हुआ और एक बढ़िया सा बियर ट्रैप भी देखने को मिला। सो आज का मार्केट अगर देखते हैं तो ये आज का मार्केट खोल लेता हूँ। ये मार्केट था। यदि ये मार्केट में इंडेक्स को देखता हूँ, निफ्टी को देखता हूँ, तो निफ्टी साइडवेज शुरू हुआ, ऊपर का उछाल लिया और यहाँ पे स्टैगनेट हो गया। यहाँ पे वहीं पे रहा और सडनली 2 बजे के बाद बहुत भारी सेलिंग आई। सो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट आया, पर ये मूव हम समझ पाएंगे जब हम डेली चार्ट को देखेंगे। सेम चीज बैंक निफ्टी में हुई। यदि मैं बैंक निफ्टी में जाता हूं तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सेम मूव, साइडवेज मूव ऊपर, और यहाँ कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स के बेस पे डाइवर्जेंस दिखा, लगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने का चांस है। तो बहुत सारे फ्यूचर्स शॉर्ट किए प्लान लॉस के साथ में और एंड में वो स्ट्रेटेजी काम आई और एक अच्छा मुनाफा, लगभग 10 लाख रुपए के कैपिटल पे कुछ 70,000 रुपए का प्रॉफिट कुछ घंटों में आ गया। तो ये इस मार्केट का पोटेंशियल है, ये इस मार्केट में मिल सकता है। तो आप देखेंगे ये मार्केट में अलग-अलग बहुत सारे फ्यूचर्स थे, बैंक निफ्टी, अदानी पोर्ट, बायोकॉन, डीएलएफ, एसबीआई, टाटा स्टील, टाइटन, टीवीएस मोटर, वीडीएल, और इन सब में अगर आप देखेंगे तो अच्छा प्रॉफिट है। सब में प्रॉफिट था कि नहीं? कुछ में प्रॉफिट, कुछ में लॉस। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट बैंक निफ्टी में आया, निफ्टी में, आईसीआईसी बैंक में आया, डीएलएफ में आया, पर टाटा स्टील में लॉस बुक किया, वीडीएल में लॉस बुक किया, निफ्टी में भी थोड़ा लॉस बुक किया। पर ओवरऑल, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, यदि आप प्लान्ड प्रॉफिट्स के साथ काम करेंगे तो ये मार्केट आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो ये एक लगभग 7% का प्रॉफिट दिन में 10 लाख रुपए के कैपिटल पे अच्छा मुनाफा मार्केट आज देके गया। और ये मार्केट अभी एक नीचे का ट्रेंड बनाता हुआ दिख रहा है, नीचे का ट्रेंड बनाता हुआ ये मार्केट दिख रहा है। एक बार जरा निफ्टी को देख लेते हैं। हमारा जो इंडेक्स है उसको अगर बड़े चार्ट पे मैं देखता हूँ, डेली चार्ट पे, जैसा कि मेरी एनालिसिस में आप काफी हफ्तों से देख रहे हो, धीरे धीरे एक नीचे का ट्रेंड बनना शुरू हो गया है। हाई, नीचे का हाई, उससे नीचे का हाई, और हम देख रहे हैं कि जैसे भी थोड़ा सा भी निफ्टी ऊपर उछाल लेता है तो उसमें नीचे का दबाव आना शुरू होता है। और ये जो नीचे का दबाव है, और पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं कि पी बहुत हाई है बैंक निफ्टी का भी, निफ्टी का भी, और नॉर्मली ये परिस्थितियां फंडामेंटल के साथ मैच नहीं करती है। आज हमारा आईआईपी का डेटा भी खराब आया है और इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, उससे मार्केट पे बाइंग का प्रेशर नहीं आएगा, सेलिंग का प्रेशर आएगा। दिसंबर का महीना नॉर्मली एक प्रॉफिट बुकिंग का महीना माना जाता है, तो आपको इसमें ध्यान देना है। और नीचे के डायरेक्शन में आप तभी पैसा बना सकते हैं जब आपको डेरिवेटिव की ट्रेडिंग आती हो, आपको स्टॉक फ्यूचर आते हो, ऑप्शन आते हो, तो इंडेक्स के फ्यूचर, इंडेक्स के ऑप्शंस आपको ट्रेड करने आते हो। और ये जो चार्ट है ये नक्शे जैसा होता है, जिसको नक्शा पढ़ना आता है उसके लिए बहुत काम का है, और जिसका जिसको नक्शा पढ़ना नहीं आता है उसमें लॉस हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, आपको दोनों को मैनेज करना है। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा सा बियर ट्रैप हमको आज देखने को मिला, जहां बीएस ने पहले मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लिया और फिर धड़ाम से गिरा डाला। तो ऐसे बियर ट्रैप आपको रोज कहीं ना कहीं किसी स्टॉक में दिखेंगे, यदि आपको ठीक से उनको आइडेंटिफाई करना आता है। तो फिर एक और एनालिसिस के साथ आपके पास वापस हाजिर होऊंगा मैं, योगेश्वर वशिष्ठ, और मैं प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि ऐसे प्रॉफिट्स आपको भी देखने को मिले, इससे भी ज्यादा प्रॉफिट आप बनाए। पर उसके लिए आपको पहले स्टॉक मार्केट में सीखना पड़ेगा, ट्रेडिंग करना और निवेश करना।